ओके बच्चों, हम क्या पढ़ने वाले? हम पढ़ने वाले मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म, ठीक है ना? तो हम इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लेते हैं हम पैरेलल। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्या ले लेते हैं हम पैरेलल। तो मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली ई नॉट जे कैप, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी ले ली बी नॉट जे कैप। पॉइंट समझो, मज़ा आएगा आपको। और वेलोसिटी मैंने शुरू में ले ली वी नॉट आई कैप, ठीक है जी, पक्का, कोई परेशानी ही नहीं, सही है। देखो हुआ क्या, ध्यान से देखो। तो मैं पहले एक्स वाई प्लेन बना के दिखाता हूँ, को सिंपल प्लेन की बात करते हैं पहले। ये एक्स, ये वाई, ठीक है ना, सही है। तो एक्स में तो वेलोसिटी है, ये पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी वी नॉट, देखो ध्यान से देखो। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। ये मैग्नेटिक फील्ड और यही है इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है, देखो सही है। तो वी क्रॉस, क्यों वी क्रॉस भी करूंगा, मैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं चर्चा करूँ, इलेक्ट्रिक को भूल जाता हूँ, तो पहले मैं मैग्नेटिक की बात करता हूँ। तो फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। एक मिनट के लिए अगर मैं मैग्नेटिक को भूल जाऊँ, इलेक्ट्रिक को सोच रहा हूँ, सॉरी इलेक्ट्रिक को भूल जाऊँ, मैग्नेटिक को सोच रहा हूँ। तो V ऐसे है, B ऐसे है, तो V क्रॉस B करूंगा, फोर्स बाहर है। फोर्स क्या है, सॉरी फोर्स है बाहर, फोर्स बाहर है। अच्छा, तो ये पार्टिकल में फोर्स लग गया ऐसे। अभी इलेक्ट्रिक को भूल जाओ, इलेक्ट्रिक है ही नहीं, मान लो इलेक्ट्रिक है ही नहीं, बाहर में गया इलेक्ट्रिक, सिर्फ क्या है मैग्नेटिक, ठीक है ना। तो यही होता, ये फोर्स होता कि नहीं होता, तो ये वेलोसिटी होती। तो वेलोसिटी और फोर्स ऐसे हैं, तो सर्कल यही बनता, ये ऐसे ऐसे सर्कल बनता कि नहीं बनता, बोलो। बिल्कुल बनता, एक्स एक्सिस सर्कल की टेंजेंट होती, एक्स एक्सिस उस सर्कल की क्या होती बेटा, टेंजेंट होती, पक्का, कोई दिक्कत वाली। देखो वी ऐसे सर्कल बनता कि नहीं बनता, ये एक्स है और वी क्रॉस भी करूंगा, फोर्स बाहर है, यानी एक्स जेड प्लेन में। कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, सही है। तो मैंने क्या बनाया, ध्यान से देखो, मैं बना रहा हूँ एक्स जेड प्लेन ही बना रहा हूँ, जेड है ये। तब ये V है, मैं अभी मैं भूल चुका हूँ इलेक्ट्रिक्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है ना, भूल चुका हूँ। तो फोर्स ऊपर है, ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक। कौन सा फोर्स है ये, मैग्नेटिक। तो ये पार्टिकल ने क्या किया, मस्त सर्कल किया। अगर इलेक्ट्रिक ना हो, इलेक्ट्रिक नहीं है अभी, मान लो इलेक्ट्रिक नहीं है, तो क्या हो, इस पार्टिकल ने सर्कल किया एक्स जेड प्लेन में, क्या किया सर्कल, और सर्कल ऐसा कि प्लस आधा प्लस एक्स में और आधा माइनस एक्स में, सही है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, बोलो। ये एक्स जेड प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, सही है। अच्छा, तो कुल मिला के ये वाला सर्कल था, और ये फोटो ऊपर से खींची गई और इधर दिखा दी गई, सही है। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाएगी। सर्कल तो इस प्लेन में बन गया, एक्स जेड प्लेन में बिल्कुल बन गया मैग्नेटिक की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स किधर लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है प्लस वाई में, तो फोर्स भी लगेगा प्लस वाई में। तो इस चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, और वो होगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन इन वाई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये ऐसा है, देखो ध्यान से, यह समझो ये है, ठीक है ना, ये एक्स जेड प्लेन है, ये है एक्स और ये है जेड। तो ये ऊपर वाई है, ये एक्स ये जेड, ठीक है ना, पक्का। और ऊपर क्या है, वाई, क्योंकि आई क्रॉस जे करूँगा तो के आएगा, सही है। ये इधर वेलोसिटी थी, ये सर्कल बना ऐसा, इस प्लेन में बना मैग्नेटिक की वजह से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स ऊपर है, हमेशा ऊपर फोर्स है। ऊपर फोर्स होने की वजह से क्या होगा, ऊपर एक एक्सिलरेशन है, ऊपर एक्सिलरेशन है तो ऊपर जाएगा। तो अब क्या होगा, अब फिर से ऐसे ऊपर जाएगा, स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग की तरह, ये एक चक्कर कंप्लीट हुआ, फिर ऐसे, फिर दूसरा चक्कर कंप्लीट हुआ। पॉइंट समझ में आ रहा है,
पाथ क्या है? हेलिकल। पाथ अभी भी कैसा है? हेलिकल। अब अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस क्या मोशन यूनिफॉर्म है? नो, मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो पिच डिस्टेंस यूनिफॉर्म होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टर्म में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चलेगा? नहीं, एक्सेलरेटेड में ऐसा नहीं होता, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चलता है। यानी विद नॉन यूनिफॉर्म पिच, विद नॉन यूनिफॉर्म पिच। आप कुछ इस तरीके से समझिए इस बात को, कुछ ऐसे, ऐसे एक चक्कर कंप्लीट हुआ। कि पहले पिच ये थी, फिर पिच कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम, ऊपर जाते रहते पिच बढ़ रही है, समझो ना। अरे यार बोलो, सही है, पक्का एक्सेलरेशन है ना ऊपर की तरफ, वेलोसिटी बढ़ रही है तो पिच भी क्या कर रही है, बढ़ रही है। नॉन यूनिफॉर्म पिच, पक्का सही है। अच्छा एक्सेड प्लेन में मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर है अभी भी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर है, ये सेंटर है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कोमा जेड। टी टाइम पे कोऑर्डिनेट एक्स जेड, एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम टी एज अ फंक्शन ऑफ टी, टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या करें? तो ये तो पता है रेडियस है, ये तो पता ही एंगल है, और ये भी पता ही ओमेगा टी होता है, बोलो। तो ये आर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा होगा ओमेगा टी, आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये यहां से यहां तक आर, और ये परपेंडिकुलर गिरा है आर कॉस ओमेगा टी, तो ये बचा कितना? आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी। ओमेगा कितना है? ओमेगा कितना है बोलो? टाइम पीरियड होता है 2π बाय ओमेगा, और टाइम पीरियड होता है 2π एम अपॉन qb, 2π ओमेगा आ गया qb बाय एम। यानी आर साइन क्यू बी टी बाई एम, आर माइनस आर कॉस क्यू बी टी बाई एम, और आर कितना? आर कितना? आर एम वी नॉट बाय क्यू वी नॉट। एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन में बात हो रही है, अब एक्स जेड प्लेन में बात होगी। इतने ही टाइम में ऊपर भी तो चला गया होगा, एक फोर्स है ना ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? वो यूनिफॉर्म है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। तो वाई कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर मैं बात करूं, तो हाफ एक्सेलरेशन वाई इंटू टी स्क्वायर, खत्म, क्यू ई नॉट by m into t square, y कोऑर्डिनेट आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटीज आ गई, वी एक्स आ गया, वी वाई आ गया, वी जेड आ गया, डिफ्रेंशिएट कर दो, r है एम वी बाई क्यू बी, क्यू बी बाई एम निकाल दो, v बचा साइन का बना cos, v cos क्यू बी टी बाई एम, इसका जीरो माइनस आर कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, और फिर आर एम वी बाई क्यू बी, और फिर जो टाइम का लिखा हुआ बार क्यू बी बाई एम, तो वी साइन ओमेगा टी, ओमेगा मतलब क्यू बी टी बाई एम। हाँ जी, इसको टी स्क्वायर को टू टी, टू से टू कट गया, क्यू ई नॉट बाई एम टी। और समझो, ये चीज बहुत सिंपल तरीके से भी निकल सकती थी, वेलोसिटी अगर पूछता। देखो एक्स जेड प्लेन को देखो,
ये सर्कल है, ऐसे हो गया था, ये देखो ना ये चीज़, ये ओमेगा टी हो चुका था, ये वेलोसिटी थी, इसके दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये, ये कोऑर्डिनेट होता वी एक्स, ये होता वी वाई, वी जेड, सॉरी जेड है ना ऊपर, ये ओमेगा टी होता, तो ये कितना होता बोलो, ये ओमेगा टी होता 91, तो ये ओमेगा टी होता, तो ये वी एक्स आता वी कॉस ओमेगा टी, वी जेड आता वी साइन ओमेगा टी, और वाई वाई में वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता, ए वाई कितना होता क्यू ई नॉट बाय एम, बोलो सही है। वेलोसिटी पूछा तो डायरेक्ट भी कर सकता था, कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंशिएट करके भी कर सकता था, डायरेक्ट करके कोऑर्डिनेट्स को वेलोसिटी को इंटीग्रेट करता तो कोऑर्डिनेट्स भी आ जाते, है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी और चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा उनमें, तो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा और नॉन यूनिफॉर्म पिच के साथ होगा। किसके साथ? नॉन यूनिफॉर्म पिच के साथ। होप करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा।